अर्शी सर, फर्स्ट ऑफ ऑल इन्होंने खुद अपना नाम बोला, तुम बैठो मैं चला जाता हूँ. सो इट वॉज अ म्यूचुअल थिंग. आप वापस आके मुझे ये जता रहे हो कि भाई तुमने, मैं बोल रही हूँ, लेट मी स्पीक राइट नाउ. आपके बारे में मैंने एक बार भी नहीं बोला, मुझे आप बोलने दीजिए प्लीज. हाँ तो जहाँ गलत होगा वहाँ मैं बोलूंगा. मैंने तब भी नहीं बोला, मैंने आपकी गलत बातें भी सुनी. आप प्लीज मेरे को बोलने दो पहले. जो हुआ वो बोला आप कलेक्ट करके रखो, एंड में बोल देना. कलेक्ट. उसके बाद ही कम्स अप, ही शाउट्स ऑन मी एज इफ पता नहीं क्या हो गया, सच अ बैड वे. आई एम सॉरी सर, मैं उस इंसान के साथ नहीं रह सकती जो मुझे डिसरिस्पेक्ट करे. इट वॉज टर्निंग लाइक अ मेंटल टॉर्चर फॉर मी. मेरे लिए बहुत ज्यादा मेंटली फ्रस्ट्रेटिंग हो रहा है बार बार उस चीज को ऐसे प्रिटेंड करना कि एवरीथिंग इज फाइन व्हेन इट्स नॉट. I understand you guys have problem. हाँ, तो अभी क्या करोगे? अब ये है परफॉर्म करोगे कि नहीं करोगे? नो सर, आई डोंट वांट टू परफॉर्म. लैया छड़ के किथे चलना है. मैं अपने डिसीजन को लेके बहुत ज्यादा श्योर थी क्योंकि बस आना ये प्यार. मैं और कुछ भी चीज टॉलरेट कर लेती लेकिन मैं अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को नीचे नहीं रख सकती थी. अंदर कुछ थे टूट के गिर गया. यू नो आरुषि, I had started feeling for you. Nana. But you didn't let it happen. मेरे पास ऑप्शन नहीं है अभी परफॉर्म करने का. आपके पास ऑप्शन है? मैं किस साथ करना है? मैं कर सकता हूँ मैक के साथ. मैक आपको करना है इनके साथ? Yes, sir. मैक आप उनके साथ बैठ जाइए. मैं आपके लिए एक चीज कर सकता हूँ कि आप फोर्थ परफॉर्म करें. आप दोनों चले जाइए और अपने रिहर्सल करना शुरू करिए. व्हेन आई कॉल यू प्लीज कम आउट. थैंक यू सर. थैंक यू सो मच. ऑल द बेस्ट गाइस. बेस्ट लक. गिव इट योर बेस्ट. मैंने कहीं ना कहीं एक स्टेप बैक लिया था और महक को एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल गई थी परफॉर्म करने की. बहुत मजे आने वाले गाइस. आई एम रियली एक्साइटेड क्योंकि आप में से काफी लोग एंटरटेनर्स हो, फनी हो. मैं कुछ ऐसे लोगों की मदद लेना चाहता हूँ जो आपको इतनी अच्छी तरह से नहीं जानते लेकिन स्प्लिट्सविला को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं. प्लीज वेलकम दिव्या एंड बसीर. व्हाट इज़ अप? वेलकम टू स्प्लिट्सविला 11. आज बहुत ही मजा आने वाला है एंड यू गाइस आर गोना हेल्प मी जज. अब मजा आएगा बिकॉज़ दे हैव आल्सो डन इट. उनको पता है कि कितनी मेहनत जाती है इसके पीछे. सो दे विल बी करेक्ट पीपल जो जान पाएंगे कि कितनी मेहनत हमने की है. जो एक कपल फर्स्ट आएगा उनको मिलेगा एक एडवांटेज. सो फर्स्ट श्रुति एंड गौरव, आर यू गाइस रेडी? यस. बेस्ट लक. ऑल द बेस्ट. एक एलिमेंट जो मैं चाहता था श्रुति का निकल के आया, वो श्रुति इज अ बिग करीना कपूर फैन. तुम्हारा कोई हक नहीं बनता कि तुम इतनी खूबसूरत लगो. नॉट फेयर. रूह चुरा लो मैं हूं ऐसे चलिया. एंड तब रोहन की एंट्री होती है स्लो मोशन अंग्रेज पे. आई जस्ट मेट अ गर्ल एंड शी इज फ्रॉम वुलमुल वुलमुल वांडा. रोहन कैन डांस, शी कैन सिंग, वी कैन रॉक द होल नाइट लॉन्ग. Hi guys, I'm vegan. I mean, I'm Rohan Ingorani and I'm from Australia. Hi. Oh no. जैसे फर्स्ट डे पे हुआ था रोहन और मेरी बात नहीं हुई थी तो वही दिखाया. मैं रोहन बन के एंटर करी एंड देन आई क्रॉस श्रुति. कौन है जिसने मुझे मुड़ के नहीं देखा? Who is he? Oh, hello. Who do you think you are? मैं ना निखिल चन्नप्पा को कंप्लेन करूंगी. Yeah, yeah, I like chapatis too. Chapatis are nice. Oh my God, he's so cute. क्या हम एक आइडियल मैच है? आप एक आइडियल मैच नहीं हो.
रोहन तुम मेरे साथ परफॉर्म कर लो, रोहन स्वॉप कर लो, रोहन श्रुति मेरे साथ कर लो श्रुति। I don't think you both should be together. You're not even an ideal match. मैं आगे कैसे जाओगे श्रुति मेरे साथ? No! श्रुति, I'm not gonna switch. रोहन, मुझे नहीं लगता मैं भी किसी और के साथ कनेक्शन बना पाऊंगी। मैनू इश्क तेरा ले डूबा। Will you try to perform with somebody else, become an ideal match and always save each other? Nah. This is a matter of the heart, right? So, I'm gonna stick to what my gut says. And then Gaurav alag enters. उन लोग का कनेक्शन, उन लोग का बॉन्ड, उनकी परफॉर्मेंस में बहुत अच्छे से दिख रहा था। Hi Rohan, I dump you. Thanks, Anshuman. Now that I'm going, I've written something, Ransar. Can I? Oh no, not again. First point is, I'm really sorry and I love you, Shruti. Look at Shruti. The 17th point is, I'm really sorry and I love you, Shruti. So the last time, 1,165. Point is also I'm sorry and I love you, Shruti. Mujhe Shruti ko dekh. I'll miss you. No. Don't go, Ro. Suna suna lagta hai. बहुत मजा आया, बहुत हंसी थी मैं उनके परफॉर्मेंस में। श्रुति वाज रियली गुड एट एक्टिंग, वो दिख के आ रहा था। वेल डन गौरव, योर एक्सप्रेशंस वेरी वेल। श्रुति वन के जो तुमने कमाल किया, टू गुड। तो हमारी परफॉर्मेंस के बाद नेक्स्ट बारी थी शगुन और संयुक्ता की। हमें पता है कि शगुन तो हमारा ड्रामा किंग है ही, एंड संयुक्ता इज अ ग्रेट एक्ट्रेस, तो आई वाज एक्साइटेड। नंबर्स पे यू नो ही वाज लुकिंग लाइक अ टोटल बॉलीवुड हीरो। शगुन हाय शीतल, मेरा नाम शीतल है। शीतल? अच्छा, क्या तुम मेरे कनेक्शन बनोगे? मैं बोल देता हूँ। संयुक्ता शीतल से मिली भी नहीं है, उसने बहुत अच्छी एक्टिंग करी। सारे हंस रहे थे शीतल को देख के। ट्राइड माई लेवल बेस्ट टू बी शीतल। उसके बाद मैं हांडा बनी। ओरेकल, क्या मैं और शगुन एक आइडियल मैच है? आप एक आइडियल मैच हो। क्या क्या क्या, हम दोनों एक आइडियल मैच है? आइडियल मैच तो बन गए। उफ, कुछ करा नहीं, कुछ वाला नहीं, आइडियल मैच तो बन गए हम। सैम की एंट्री हुई तो दूसरी बार ऐसा हो रहा था कि मैं वो परफॉर्मेंस फिर से रिलीव कर पा रहा हूँ, वो जी पा रहा हूँ वो मोमेंट। मैं आपको आज कुछ कहना चाहता हूँ। यूं तो लोग मुझे गुस्सैल और बदतमीज समझते हैं, लेकिन मैं क्या करूं कि असली जिंदगी में कोई मेरे साथ पहले लोगों से लड़ता फिर बाद में मुझे समझाने वाला मुझे कभी मिला ही नहीं। मैं तुम्हें सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि तुम्हारे लिए मुझे सुधरने को दिल करता है। बहुत क्यूट सा एक्ट था हमारा, फनी नहीं था, इट वाज नॉट अ लॉट ऑफ कॉमेडी, बट जो भी था वी पुट इन एवरीथिंग एंड वी शोड इट टू सर। ऑलराइट, नेक्स्ट Myra and Anshuman. I actually wanted to go and say that, I mean, this is not happening. आपका एक वो point आता है ना जब आप हार मान जाते हो, वो आया था उस समय। But then I like मुझे सब बातें याद आने लगीं that Roshni said. I wanted to win, ठीक है? You have to win for me, and just be strong. पर लव स्टोरी किसी की इतनी है नहीं जितना अंशुमन और रोशनी की है। सो वी हैव डिसाइडेड कि मैं रोशनी प्ले करूंगी और अंशुमन प्ले करेंगे। हाय
Hi. Hi, Roshni. How are you? I'm good. How are you? I'm good. Hi, Shruti. Hi, Anshuman. Nice time. Thank you. और चश्मे जो हैं आपके वो काफ़ी अच्छे हैं. मतलब मैं जब यहाँ आने वाला था तो मैं ऐसे ही लेने वाला था. आपको ये टाई पसंद है, मैं आपको दे दूँ? आपको ये चश्मे पसंद है, आपको दे दूँ? हाँ बिल्कुल, ये पहना दूँ मैं आपको. मैं उनके स्किट का पार्ट थी एज श्रुति, एंड मेरे शेड्स और टाई वाली एक्सचेंज हुआ. फिर डेट पे जब मैंने उसे बोला था आई वांट टू बी विद रोहन. हाय श्रुति. हाय अंशुमन. बैठिए. I genuinely like you. Thank you and I appreciate it. But मुझे रोहन पसंद है और मैं उसको पहले से जानती हूँ. But I think I'm gonna go ahead with Rohan in the game. It's okay, Anshuman. Roshni. Don't worry. नहीं नहीं यार, मैं upset थोड़ी ना हूँ. ये तो छोटी सी बात है. I mean, actually श्रुति तो रोहन के साथ perform कर रही है. उसने तो मेरे को लात मार दी है. तो हम लोग साथ में परफॉर्म कर लेते हैं ना. पक्का तुम शो मेरे साथ रहोगे? डन. पूछने की क्या बात. देयर वाज वन चैलेंज, कौन बनेगा ज्ञानपति. उस चैलेंज में काफी इंटेंस माहौल हो गया था क्योंकि अंशुमन को बहुत चोटें लगी थी. दैट्स व्हेन रोशनी रियलाइज्ड दैट शी रियली लव्स अंशुमन. सो वो मोमेंट एक ऐसा था जो हमें अपने एक्ट में डालना ही डालना था. Yes, you got it, you got it. Roshni, today I'm dumping you. Sayo! Myra को देखकर ऐसा लग रहा था कि इतनी overacting क्यों कर रही है? इतना तो Roshni भी नहीं रोई थी. Kiss, 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 kiss. Kiss, 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 kiss. मायरा तुमने तो मौके पे क्या चौका मारा है. चौका छक्के 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 सर. वो जब नीचे गिरा हुआ था तुमने तो केस हो जाता है ऐसे लड़कों पे. अगर कोई क्या था उसको इससे भी ज्यादा इंटेंस. But yeah, good act, very guys. Good. Very good. Anshuman, amazing. Thank you. All right, next. तो ये कहानी है दो अनजान लोगों की जो खुद भी नहीं जानते थे कि वो एक दूसरे से प्यार कर बैठेंगे. कबीर और अनुष्का की कहानी. शुरुआत कुछ ऐसी हुई कि एक दिन एक लड़की थी जो कबीर के पास आई. ओ गॉड, यहाँ आने के बाद मेरे abs जा रहे हैं यार. मेरे cuts देखा है तुमने? Hi. Hi, how are you? मैं अच्छी हूँ. मैं आपसे पूछना चाहती थी कि क्या आप मेरे साथ कनेक्शन बनाओगे और मेरे साथ आगे बढ़ोगे इस जर्नी पे? हाँ, मुझे भी ये लग रहा था कि हमको एक कनेक्शन बन के आगे बढ़ना चाहिए. श्योर ना? या वेरी श्योर. कूल कूल मैन. फिर एक दिन हमारे हीरो और हीरोइन कहीं जल्दी में चलते हुए जा रहे थे. हमारी जो थोड़ी बहुत बात हुई एंड आई काइंड ऑफ स्टार्टेड लाइकिंग यू. एंड मैं भी मैं आके बोलना चाहता था बट बोल नहीं पाया था. ओए, आई लाइक यू टू. थैंक यू. संयुक्ता बनी थी दत्ता एंड इट वाज रियली फनी बिकॉज़ वो डंबल्स कर रही है एंड साथ साथ उसको पता चला कि कबीर अनुष्का की स्टोरी बन गई है. वो डंबल्स करते करते यू नो शी इज डूइंग बाइसेप कर्ल्स और रो रही है डंबल हाथ में पकड़ के. कबीर स्वागत नहीं करोगे हमारा? शी वाज स्पॉट ऑन विद हर परफॉर्मेंस यू नो. बहुत फनी था. मेरी एक्स तो आई नहीं है यहाँ पर. मुझे पता है मेरी एक्स आई है. And I know as much as it is hard for you, मेरे लिए भी उतना ही मुश्किल है. And मेरे लिए इनफैक्ट ज़्यादा मुश्किल है. But मैं कर रहा हूँ कुछ. I'm telling you that my priority is you. Oh, sorry. I love you, Anushka. Woo!
It was the first time we actually said I love you to each other, and I think which was really nice and bahut hi special moment tha. Right. आपके बाद लास्ट आ रहे हैं एक ऐसा कपल जो अभी अभी बना है सिर्फ इस चैलेंज से पहले फहद एंड महक. कहीं ना कहीं महक को फहद के साथ परफॉर्म करते हुए देखकर आई वॉज वेरी इमोशनल. मैं थोड़ा सा टूट रही थी अंदर से. एक लड़की थी दीवानी सी, एक लड़के पे वो मरती थी. चोरी चोरी चुपके चुपके चिट्ठियां लिखा करती थी. जब भी मिलती थी मुझसे मुझसे पूछा करती थी ये प्यार कैसे होता है, ये प्यार कैसे होता है. ये सिर्फ फिल्मों में होता है क्योंकि रियलिटी बिल्कुल डिफरेंट होती है. और ऐसी ही रियलिटी थी बिल्कुल डिफरेंट आरुषि दत्ता और फहद की. हाय आरुषि दत्ता. फहद, फहद अली. ओके. वैसे टैटूज एंड ऑल हां? या. क्या बात है. हाँ आई गॉट इट टोटली. आई टोटली गॉट इट. मेरे 24 पैक सब्स किए. नहीं, आई बिलीव यू. 24 पैक्स अप. माई टैटूज वर द इंटेग्रिटी ऑफ माई एंटायर पर्सोना, माई पर्सनैलिटी. तो उस चीज का मजाक उड़ाना आई थिंक वॉजंट राइट. ओरेकल, अब तुम फोकस करोगे? पहली बार है तुम्हारा. पहले बुलाने तो दे. चल ठीक है. ओरेकल. मैंने बोला स्टार्ट करो. जब तक मैं नहीं बोलती तुम्हें, तुमने कैसे सोच लिया तुम बोल सकते हो? अब तो एक साथ बोलना. अब सामने खड़े हैं तो बोलेंगे ही ना. बोला ना, जो मैं बोलूंगी वही तुम करोगे. दोनों उंगली पे लिखवा ले शू. जो स्टोरी वो डिपिक्ट कर रहे थे मेरे और फहद की, दैट वाज ऑलमोस्ट ओवर ड्रामेटिक. आई डोंट नो क्या सोचकर फहद ने, किस दुश्मनी में या किस मेल ईगो में उसने ऐसा पूरा स्क्रिप्ट को चेंज किया. ओरेकल, क्या हम एक आइडियल मैच हैं? आप एक आइडियल मैच हो. कुछ कुछ स्पेशल मोमेंट्स दिखाए उन्होंने मेरे और फहद के बीच में, जो एक्चुअली बहुत स्पेशल और बहुत पर्सनल थे हमारे. उनकी परफॉर्मेंस वैसे देखा जाए तो वाज वेरी फनी, हम सब हंस रहे थे. बट फॉर दत्ता आई वाज वेरी सैड क्योंकि वो बहुत रो रही थी. यार मैं जानता हूँ हमारे बीच झगड़े हैं, बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, लेकिन एक चीज मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, वो तुम्हारी नाराजगी. प्लीज ट्रस्ट मी. ट्रस्ट यू? कल की डोम सेशन के बाद तुम चाहते हो आई शुड ट्रस्ट यू? कल अनुष्का के साथ कबीर को परफॉर्म करना पड़ेगा तो वो तुमसे पूछ लेगा. यहाँ पे कोई रिस्क होता है तो मैंने अनसेफ किया खुद को तुम्हें वहाँ पे बैठने के लिए. सेफ में तो तुमने मुझ पे एहसान किया. एहसान नहीं जता रहा हूँ, मैं ये बता रहा हूँ तुम मेरी प्रायोरिटी हो, तुम मेरे सबसे क्लोज हो, इसलिए तुम्हें सेफ किया मैंने खुद को रिस्क में डाल के. एहसान नहीं है, मैं बता रहा हूँ तुम्हें कि क्या हुआ है. सो दैट यू ट्रस्ट मी. फहद, आई हैव लॉस्ट द ट्रस्ट इन यू. आई डोंट ट्रस्ट यू एंड आई डोंट वांट टू प्ले द गेम विद यू. आई स्वेयर अगर मेरे को मौका मिलता ना, मैं जाके जरूर अंदर घुसूं और पकड़ के दोनों को पीट दूं अच्छे से. तू परफॉर्म नहीं कर रही ना किसी के साथ? नहीं. तो हम साथ में परफॉर्म कर लें क्या? व्हाट, आपके और दत्ता के बीच में सब सही है ना? हाँ. कैसी बकवास कर रही, कुछ सही नहीं है, कुछ भी सही नहीं है, इसीलिए पूछ रहा हूँ तेरे से. और ये जब कबीर कर नहीं रहे तेरे साथ परफॉर्म तो ठीक है ना, इसको मार गोली. ओ मैं हूँ ना तेरे साथ. Yeah, I want to go ahead in the game, so I am willing to perform. Yeah, so am I. Kare play ki practice. Kar lete hain. Wow, outstanding. Amazing, guys. Amazing. Best performance of the day, undoubtedly. It was funny to watch, but. डर उनसे भी लग रहा था क्योंकि अगर उन्होंने इतने छोटे टाइम में उन्होंने इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दी है तो आई वाज वेरी स्कैर्ड कि रिजल्ट कुछ भी हो सकता है. ऑल ऑफ अस हैव गिवन सच ग्रेट परफॉर्मेंसेस. आज जो भी जीतेगा उनको एक एडवांटेज मिलेगा और लोटस मेकअप की तरफ से एक गिफ्ट हैम्पर. ऑलराइट, इट्स टाइम फॉर द रिजल्ट. जैसे कि मैंने पहले बोला था कि विनर सिर्फ
एक ही कपल होगा और वो एक कपल को मिलेगा एडवांटेज. डोंट नो व्हाट द एडवांटेज इज. यस. द एडवांटेज इज दैट दैट कपल गोज स्ट्रेट अवे टू द सेमीफाइनल्स. Oh my God, ये पहले क्यों नहीं पता था? अगर पहले पता होता तो शायद बेटर स्किट बना देते. और वो बताएंगे दिव्या और बसीर, who is number one? कौन जा रहा है स्प्लिट्स 11 के सेमीफाइनल्स में? Everybody performed really well, but then there was some element in their performance which was a little different from others. सेमीफिनाले इज जस्ट एक स्टेप पीछे है फिनाले के एंड जीतने के सिलसिला. तो इट्स अ ग्रेट फीलिंग. अगर मुझे मिल जाएगा तो आई विल बी द हैप्पीएस्ट पर्सन. एंड दैट्स गौरव एंड श्रुति. हमारी सारी मेहनत रंग आई. हम वी आर इन द सेमीफिनाले एंड बोथ मी एंड श्रुति वाज सो हैप्पी. हम दोनों ने एक दूसरे को यू नो हग करा. लोटस मेकअप की तरफ से एक गिफ्ट हैम्पर. सो आई थॉट कि हम फर्स्ट आएंगे बट दैट डिडंट हैपन. उनको एडवांटेज जो मिला वो सेमीफिनाले में जाने का था. आई वाज वेरी डिसअपॉइंटेड. मैं और गौरव तो सेमीफिनाले पहुंच गए थे बट अभी बाकी कौन सेमीफिनाले आएगा हमारे साथ वो भी पता चलेगा. आज स्क्रॉल की जगह तोहफा आया सबके लिए. स्प्लिट्स विलन्स, आप सबके लिए तोहफा आया. लैंड फोर्स की तरफ से गिफ्ट हैम्पर्स मिले. हम रेडी हुए और टेस्ट योर बॉन्ड चैलेंज के लिए निकल गए. स्प्लिट्स फ्रेंड्स, दिस इज ओपो एमटीवी स्प्लिट्स 11 पावर्ड बाय डेनवर डिओड्रेंट्स, एलो फ्रूट जूस, मैन फोर्स, Vega Hair Styling Appliances, Beauty Partner Lotus Makeup and Celebration Wear Partner Manyavar. आज का जो चैलेंज है ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. और चैलेंज से पहले इंपॉर्टेंट ये है कि आप चूज कर लें कि आप किसके साथ ये चैलेंज करना चाहते हैं. Just want to tell all of you, because आप पांच लड़के हो, छह लड़कियां. The girl who doesn't get chosen right now. What happened, Sunny? Your journey in Splits Villa ends. Right now, right here. इन लड़कियों के कंफर्म पार्टनर्स थे वो तो बहुत खुश थी, लेकिन कुछ लोगों के मामले चल रहे थे. मुझे लग रहा था वो कहीं ना कहीं दत्ता का नाम लेंगे और मुझे लग रहा था कि आज सिलसिले में मेरा आखिरी दिन होगा. अनुष्का, yeah, I'm gonna stick with him. शगुन, सर सैम. शगुन, अंशुमन, मायरा. ओनली लीव्स अस विद फहद, अर्शी दत्ता एंड महक. अगर अभी आपने परफॉर्म नहीं किया आरुषि दत्ता फाद के साथ, देन यू आर गोइंग होम राइट नाउ. आई वाज लाइक लुक हाउ द टेबल्स हैव टर्न. आप जिसको बोल रहे थे यार मैं तो कभी परफॉर्म ही नहीं करूंगा, वेल नाउ ही गेट्स टू मेक अ डिसीजन इफ यू गोइंग टू बी इन स्प्लिट्सविला और नॉट. सर, इफ इट्स अबाउट विनिंग, हमने स्टार्टिंग में ये बात की थी कि साथ जीतेंगे, तो आई वुड से कि ठीक है डिफरेंसेस सॉल्व कर सकते हैं बैठकर. महक, सो आई वांट टू स्टे, आई वांट टू प्ले एंड मैंने आज उनकी मदद करी. मेरे को भी ऑब्वियसली जरूरत थी परफॉर्म करने की, बट मोर देन आई डिड इट फॉर माय सेल्फ, आई डिड इट फॉर हिम एज वेल. ओके, आपने दोनों की सुन ली है फहद. सुनो सबकी, करो अपनी. राइट नाउ वी नीड अ डिसीजन. मेरी समझ में मैं नहीं आ रहा था कि यार मैं क्या करूंगा. आरुषि दत्ता, आई एम डंपिंग इट. पैरों के नीचे से जमीन निकल गई थी. लैया छट के किथे चलना है.
मुझे अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था, मेरी कश्ती भी डूबी वहां जहां पानी कम था। बस आना ये प्यार अर्शि, आपको डंप किया है आपके आइडियल मैच ने। मत बोलो। Anybody wants to say bye to her? जाते वक्त भी फहद मुझसे मिलने नहीं आया। मैं उसके पास गई और मैंने उसे जाके बोला कि फहद well played, slow claps for you. I hope कि बाकी सब जीते पर तू ना जीते क्योंकि तू ये गेम मेरे बिना जीत नहीं सकता। That force which was there जिससे सबकी इस पृथ्वीला के अंदर कि भाई ये कपल जो है ना ये सबकी आज वो कपल टूट गया था। The heart was broken and finally I think it was a victory for all other couples. फहद का ईगो इतना बड़ा था कि उसको अपना कनेक्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था, उसको ये ज्यादा इंपॉर्टेंट था कि मुझे इस लड़की ने मना कैसे कर दिया। राइट, ये रिंग देख रहे हैं, उसके अंदर एक एक्चुअल रिंग है जो हाथ में पहनाना है। चारों लड़कियां एक साथ रिंग के अंदर जाएंगी, उस रिंग को पकड़ेंगी और जो भी लड़की पहले उस रिंग से बाहर आ जाएंगी वो रिंग उसकी हो जाएगी फॉर दैट राउंड। फिर वो रिंग को फेंकेगी अपने पार्टनर की तरफ, पार्टनर उसको कैच करेंगे और एक प्लेटफॉर्म से जो सामने हाथ है हाथ में रिंग फिंगर में पहनाने की कोशिश करेंगे। उस लड़के को उस राउंड में 3 tries मिलेंगे जो उसको 1 minute के अंदर करने हैं। जब वो 3 tries हो जाएंगे वो रिंग वापस बड़े वाले रिंग में आ जाएगा। ये लड़कियों के साथ 3 बार होगा, उसके बाद फिर लड़कों के साथ होगा। आज का जो टेस्ट बॉन्ड चैलेंज है इट्स कॉल्ड द रिंग सेरेमनी। स्प्लिट्सविला में अभी 5 couples हैं, एक ऑलरेडी पहुंच चुके हैं सेमीफाइनल्स, उनके साथ 2 और कौन पक्के आज जाने वाले हैं इस चैलेंज के बाद पता लग जाएगा। अब परफॉर्म करना बहुत ज़रूरी हो गया था, मैं चाहता था कि मैं और सैम अपनी जगह सेमीफिनाले में किसी भी हालत में फिक्स कर लें क्योंकि अगर विला पर छोड़ा जाए तो हमें कभी भी नहीं भेजेंगे। You guys ready? Yes, sir. Yes, sir. Take your positions. Ready, girls? Yes, sir. 3, 2, 1, go! Come on, let's go! Come back! Chal, aaja. Samyukta, out! मैं देख रही थी कि महक और अनुष्का एक साइड पुल कर रहे हैं। चल मारा। उस टाइम मैंने अपना लेफ्ट हैंड पूरा रिंग के अंदर डाला एंड आई केप्ट माय एल्बो स्टक ऑन द रिंग और मैं अपने राइट हैंड से रिंग पकड़ा और मैंने खींचा। कम ऑन महक। गो सैम। कम ऑन अनुष्का। सैम प्ले स्मार्ट थिंग। कम मारा। कम 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 कम। यस यस मारा। यस 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 मारा। Sam is out. You are not out. Sam is out. Oh. Well nice. Thank well you. Nice. Well played, Mara. Very thank nice. You. Very good job. Chal, let's go. All right, your time started. Oh. Kaun se dekh? Chal, Shagun. Shagun. Elevation. I. Whoa. Chal, Shagun. Focus kar. Time hai tere paas. Abhi focus karke mariyo. Main niche dekh rahi thi ki I just hope ki chala jaye. क्योंकि सिर्फ एक और टर्न बचा था और अगर नहीं गए तो आई वॉज जस्ट कॉन्सेंट्रेटिंग कि एक और बार रिंग निकालना है। Get another ring. Please. Sam. Done. मायरा ने बोला प्लीज एक बार रिंग दिला दे, मैंने बोला ठीक है मायरा दिस टाइम आई विल हेल्प यू, अगली बार मैं खुद के लिए ले लूंगी। 3, 2, 1, go! Come on, Mayra, come on, Mayra! Come on, Mayra! Anushka, come on, Mayra! Mayra, Anushka and Mayra side khichne lagi, Samyukta alag. Come on, Anushka, come on! Maine Mayra ki taraf dekha and I was like, what an idiot! Tum uske side kyu pull kar rahi ho? Anushka, Mayra! 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 Mayra!
और जैसे ही रिंग मिली मुझे बहुत खुशी हुई, बहुत मुश्किल से मिली थी रिंग मुझे। Nice. You gotta stick to that. 50 seconds left. Time hai abhi. Fast, take your time. Oh, that was close. This is the last round for the girls. थर्ड राउंड स्टार्ट होने वाला था एंड आई वॉज वेरी क्लियर कि थर्ड राउंड मुझे लेना है क्योंकि अगर मैं शगुन को यहाँ पे आने दे दूंगी तो शगुन यहाँ पे भसड़ मचा देगा। 3, 2, 1, go! I was pulling and मैंने देखा लाइन बहुत दूर है, मेरा हाथ नहीं पहुंचेगा। संयुक्ता used her brains, उसने एक full split मारा और उसका पैर बाहर लाइन पे टच हो गया एंड शी गॉट दैट वन रिंग। अब बस शगुन के ऊपर है कि अगर वो डाल देता है then they're in the semi-finale. चल let's go. This is over, okay? शगुन चल शगुन कॉन्सेंट्रेट। 50 सेकेंड है अभी। वेरी क्लोज। चल चल शगुन। वन मोर, कम ऑन, फोकस। मेरा यही फीलिंग था कि प्लीज शगुन आप डाल देना। इतनी ज्यादा खुश थी कि हम सेमीफाइनल जा रहे हैं गौरव और श्रुति के साथ। Well done, well done. Shagun, congratulations. Good job. बहुत अपसेट हो गई थी मैं, डर लग रहा था, घबराहट हो रही थी कि अब तीनों में से कौन सा एक कपल होगा जो सेमीफाइनल्स में जाएगा। All right, boys, ready? Yes, sir. 3, 2, 1, go! Go, Bahar! मुझे पता भी नहीं चला कि उन्हें गो कब बोला, वो सर्कल के बाहर आ भी कब गए, ऐसे क्लियर विनर दिख रहे थे फहद। पूरा एक मिनट है। यस। वन मिनट स्टार्ट्स मैक। आराम से, बिल्कुल आराम से। एक मिनट, थोड़ा ऊपर। टेक योर टाइम। मैक, लास्ट टर्न बचा है। It was very funny. उसने दत्ता को चूज नहीं किया, उसने महक को किया। देख लो बेटा तुम कहाँ खड़े हो। तू नीचे को फेंक रही है, थोड़ा ऊपर फेंक। Come on, man. All right, girls, get into the ring. Go. लेके बार, लेके बार, लेके बार। अनुष्का ने लड़ लड़ के किसी तरह रिंग निकाली एंड मुझे पास करी। कबीर, रिंग पहनाओ एंड मेक योर हार्ट कनेक्शन, कम ऑन। आपको पता ना रिंग फिंगर की एक नस कहां जाती है? हार्ट, दिल तक जाती है, कम ऑन। लास्ट लास्ट लास्ट, दिस वॉज द एंड गेम। अगर अभी परफॉर्म नहीं करा तो कभी नहीं कर पाएंगे। वन रिंग। अब जब कबीर ने रिंग डाल दिया था तो बहुत ज्यादा प्रेशर हो गया था क्योंकि मेरे पास एक भी रिंग नहीं था। अनुष्का और कबीर, एक और रिंग चाहिए आपको।
मायरा, महक, लड़कियों का यह लास्ट राउंड है। डर बहुत ज्यादा बढ़ गया था क्योंकि अब कबीर और अनुष्का सिर्फ एक रिंग दूर थे सेमीफाइनल्स में पहुंचने के लिए। 3, 2, 1, go! Two more tries, Kabir, focus. Kabir puts a ring on this finger. This game is over. We came this far. Remember? Come on, bro. Make it count. I missed again. All right, boys, ready? अब मुझे बुरा लगने से ज्यादा ये फील आ रही थी कि एक फ्रेंडशिप से ज्यादा कॉम्पिटिशन बहुत हो गया था। 3, 2, 1, go! Fahad, you're too fast, man. Fahad was on a roll that time. वो गया and उसे ring एक बार भी किसी को छूने तक नहीं दी। वो चाहता और टच कर देता, चाहता और टच कर देता। तीनों बार उसने रिंग निकाली। No. Oh, take your time, Mac, focus. इस चैलेंज में अगर मैक्सिमम किसी को मौके मिले रिंग डालने के लिए वो थी मैक। मुझे समझ भी नहीं आया मैक ये जानबूझ के कर रही थी और उससे हो नहीं रहा था। Try to throw beyond this. You're trying to throw at this. It's going here. Try to throw here. Try to throw here. Come, give it to me. मुझे इतना गुस्सा आ रहा था यार कि क्या कर रही है ये, मतलब क्यों नहीं हो रहा इससे। मैं बहुत फ्रस्ट्रेट हो रहा था यार उस वक्त। मैं आरुषि को मिस कर रहा था। छट के कितने चलना है बस आना ये प्यार मुगलना है। Taking your time. Take your time. अगर दत्ता होती तो तुम अब तक चैलेंज जीत चुके होते फहद। इतना स्टूपिड डिसीजन तुमने लिया कि तुम ही उसके भरपाई कर रहे थे। Oh shit. Girls, your turn. मैं एक बार भी तीनों राउंड्स में, तीनों ट्राइज में, हर राउंड के एक बार भी नहीं डाल पाई। कबीर, आपको सिर्फ एक और रिंग डालना है, ओके? 3, 2, 1, go! अब लड़कियां भी पागल हो गई थी क्योंकि जीतने के लिए हम तीनों बहुत ज्यादा डेस्परेट थे। अनुष्का, आराम आराम से कर, है अभी 40 सेकंड्स हैं। One last try. Come on. Awesome! I was so happy. This was the moment that I was standing with Anushka. We were together. We were in the semi-finals, just how we dreamt of. I'm so
पर ही हैड नो आईडिया. काफी डिसअपॉइंटमेंट हुई. वो सेमीफिनाले में थे और मैं जरा वहां खड़ा हुआ था एंड आई कुडंट डू एनीथिंग. मैं आज अगर अरुषि को चुन लेता और उसके साथ परफॉर्म करता तो आई वॉज वेरी श्योर कि मैं आगे भी जाके अच्छा परफॉर्म करता और मैं स्प्रिस्विला भी जीत जाता. सेमीफिनाले में तीन कपल्स जा रहे थे, श्रुति गौरव, शगुन संयुक्ता और अनुष्का कबीर. वी वर वेरी हैप्पी. आई वॉज हैप्पी. एक मेरे दोस्त खड़े थे, एक मेरे कॉम्पिटिशन खड़े थे जो मेरे साथ लड़ना चाहते हैं और चाहते हैं. तो देखेंगे कौन किसकी कितनी.